चकराता मसूरी मोटर मार्ग पर बैराट खाई के निकट एक व्यापारी से हरियाणा के कुछ लोगों की गाड़ी की टक्कर को लेकर आपसी बहस होने पर मामला इतना बढ़ गया कि हरियाणा के युवकों ने व्यापारी के साथ लाठी डंडे से मारपीट शुरू कर दी। जैसे तैसे व्यापारी अपनी जान बचा पाए, लेकिन इस दौरान हरियाणा के लुटेरे व्यक्तियों ने व्यापारी से कुछ नकदी पैसा और उसके मोबाइल को जबरन ले गए। व्यापारी के साथ एक युवक रिश्तेदार था, उससे भी उन्होंने जबरन 5,000 का गूगल पे करवा कर कहा कि वह मुझे कॉल करे और अपना मोबाइल ले जाए। उसके बाद व्यापारी ने उसे कॉल किया तो उन्होंने बताया कि वह चकराता के आसपास है, लेकिन बाद में पता चला कि वे लोग वहां से फरार हो चुके थे। इसके बाद व्यापारियों ने मारपीट और लूट मार को लेकर राजस्व पुलिस में तहरीर दी, जिस पर राजस्व पुलिस ने संयुक्त टीम गठित कर उनके मोबाइल नंबरों को सर्विलेंस कर ट्रेस किया, जिसकी लोकेशन हरिद्वार में देखी गई। पुलिस ने बताया कि उसके बाद ही उन्होंने वहां जाकर इन 6 युवकों को पकड़ लिया, जिनको पूछताछ के लिए तहसील कालसी लाया गया। युवक हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और सभी युवक 25 से 40 वर्ष के बीच के हैं। दिन के समय की है और आज इस घटना की रिपोर्ट जब प्राप्त हुई है तो हमने घटना के बारे में जो है अपने स्तर से जानकारी ली और उसमें मुझे मुकदमा पंजीकृत किया। उसके बाद जब जो आरोपी थे अज्ञात थे, उसके बारे में सिर्फ वाहन नंबर हमारे पास उपलब्ध था, जिसके आधार पर उनको ट्रेस करके ऋषिकेश के पास उनको जो है पकड़ा गया है। और अभी हमने जो है ऋषिकेश से उन आरोपियों को यहाँ पर लाया है। इसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो जो है हम करेंगे। कुल कितने आदमियों की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी कल जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, रिपोर्ट में 4 लोगों के बारे में इन्होंने लिखा था। आज जब हमने वहाँ उनको लाया तो वहाँ बाहर में वो जो है 6 लोग सवार थे। ये सभी जो है हरियाणा के हैं और अभी इनकी बहुत सारी जानकारियाँ इनसे भी जो है प्राप्त की जाएगी, अभी पूछताछ की जानी विशेष है। हम लोग अपने होटल से आ रहे थे नीचे नागदा की तरफ, और नागदा पहले जा रहे थे हम लोग, और नीचे से 4 नंबर की गाड़ी आई, उन्होंने जो है हमारी गाड़ी को जो है टक्कर मार दी। साथ ही ये लोग गाड़ी से नीचे उतरे और सीधे अपने गाड़ी से डंडे निकाले और डंडे से सीधी पिटाई चालू कर दी। और मेरे को बचाने के लिए मेरे एक रिश्तेदार थे साथ में, उन्होंने मेरे को बचाया, पर उनको भी धक्का मुक्का किया इन लोगों ने। बाद में जो है जब वो बचाने के चक्कर में बीच में आ रहे थे तो बोल रहे थे कि हमारे पास कट्टा रखा हुआ है और कट्टा बाहर गाड़ी से बाहर निकालो, और इनको कट्टे से इनकी 6 के 6 गोलियां भाग दो। ये लोग डर के मारे चुप रह गए और इन्होंने जो बुरी तरीके से मेरे को पिटाया। मेरा जो बाजू है मैं इसको एक्सरे करवाया और इसका मेडिकल भी कराया, तो इसमें थोड़ा सा एक्सरे कराया है और इस जगह से इन्होंने डंडे से इस तरीके से मारा है कि पूरा जो है नीला पड़ा हुआ है, और इस साइड से भी मेरे को मारा है, यहाँ से भी पूरी तरीके से लट से लगाया मेरे को। किस तरह की कोई लूटपाट भी करी है? मैं अपने होटल से जो है नागदा बैंक में ही जा रहा था कि मैं थोड़ा सा पैसा अपना जमा कर दूँ वहाँ पे। मेरे जेब में 50,000 रुपये थे पन्नी के अंदर रखे हुए, वो भी इन्होंने ले लिया और मेरा मोबाइल भी साथ में छीन लिया इन लोगों ने। गूगल पे का भी कैश, और जो मेरे साथ में थे रिश्तेदार मेरे, उनके अकाउंट से जो है उनके अकाउंट में 5,000 रुपये थे, वो भी उन्होंने गूगल पे अपने नंबर पे करवा लिया। ये लोग नहीं कर रहे थे तो उन्होंने जो है पिस्तौल की धमकी दे के जो है इनसे भी ज़बरदस्ती करवा लिया गूगल पे अपने अकाउंट में।